12 क्लास के बच्चे दोनों पहले तैयार होइए और उनका साथ देने के लिए कंपटीटिव स्टूडेंट, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए बच्चे बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर हम लोग का एमिन चल रहा था, और एमिन में बहुत सारा बात हम लोग को बता दिए और इतना में आप लोग का कंट्रोल कर लेना चाहिए ऑब्जेक्टिव। कारण की देखिए पहले ही हमने बताया थे कि रिएक्शन तो बहुत सारे रिएक्शन होता है, लेकिन किसी टॉपिक का बोस रिएक्शन सीखने के पहले उसका रिएक्शन का कॉज जानना चाहिए कि आखिर ये जो केमिकल जो रिएक्शन इसमें है, केमिकल रिएक्टिविटी जो है इसमें आखिर किस वजह से है, कहां कहां से बॉन्ड टूट सकते हैं, यहां पर किस तरह से इसका मैकेनिज्म हो सकता है। अगर इसकी एक दो तीन अगर मैकेनिज्म अगर समझ आते हो तो करीब करीब रिएक्शन तुम खुद डील कर सकते हो, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि देखिए आप लोगों को अगले यानी सॉरी पिछले दिनों में इधर लगातार हमने यानी एमीन के गुण के बारे में बताते हुए आ रहे हैं। आप लोग सभी विद्यार्थी पिछले वीडियो को आपने देखा भी कि कैसे कैसे एमीन ग्रुप का जो है रिएक्शन चलता है, कैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है और डोनेट करके किस तरह से वहां पर रिएक्शन अपना ही डील करता है, यही था मैकेनिज्म। इसलिए हमने पहले बोला था कि जितने सारे विद्यार्थी हैं चैनल से जुड़े हुए तुम लोग मैकेनिज्म को क्लियर करो, ताकि बोर्ड एग्जाम देने के बाद जब भी अगर कंपटीशन में बैठते हैं बॉस तो आपको मैकेनिज्म का जरूर जरूर पड़ेगा। जब तक सही मैकेनिज्म को तोड़ फोड़ नहीं करेगा तो ऑब्जेक्टिव आप नहीं बना पाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको सारे चीजों को सारे रिएक्शन को तोड़ना पड़ता है, और तब तोड़ने के बाद वो अपने आप प्रोडक्ट निकल जाता है कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट निकले। तो आइए बच्चे जो चैनल से जुड़े हैं वह कृपया सभी बच्चों को चले जल्द से मैसेज कर दें, क्लास लेट से शुरू हुई है जिसकी मेन कारण थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से क्वेश्चन था यानी क्लास लेट से स्टार्ट हुई। तो बॉस देखिए आइए हम शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को देखिए हमने इन की जांच कर रहे थे, रिएक्शन तो थे लेकिन रिएक्शन के माध्यम से आप लोग को हमने प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, ये तीनों एमीन की हमने जांच सिखा रहे थे, जिसमें कल आप लोगों ने देखा एसिलेशन कि एसिलेशन का रिएक्शन जब आपने करवाया और एमाइड बनाया, लेकिन उस एमाइड बनाने में बस आप लोगों ने बेटा देखा ये दो ही भाग लिए, प्राइमरी भाग लिया, सेकेंडरी भाग लिया, लेकिन टर्शियरी भाग नहीं लिया, क्लियर। इसके बाद तीसरा जो जांच हमने लाए थे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया का दो साथ लोगों को मैंने बताया कि एसी को कह सकता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड जांच भी कर सकते हैं या आइसोसाइनाइड यानी टेस्ट भी कर सकते हैं। कारण देखिए आइसो से साइनाइड कहते हो यानी जिसको बोलता है एम यानी डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड सी होता है, ए पॉजिटिव होता है ए निगेटिव होता है, एसी को कहते हैं कार्बिल एमीन। पहले देखिए किसी चीज को समझिए, यहां पर देखिए एसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज यानी कार्बिल एमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कार्बिल एमीन कहते हैं या बोस एसी को हम लोग कहते हैं यानी आइसोसाइनाइड, क्या कहते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, यानी आइसोसाइनाइड इसी को कहते हैं एमसी। हमने कल बता रहे थे जल्दीबाजी में रिएक्शन जा रहा था इसलिए हमने बोला था कि फिर हम कल मिलेंगे और इसके मैकेनिज्म पर चर्चा करेंगे। देखिए हमने बोले थे कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा हम लोग सिर्फ और सिर्फ याद करेगा यानी प्राइमरी प्राइमरी एमीन की जांच जो है इस रिएक्शन से किया जाता है, याद करेगा ऑब्जेक्टिव।
बोल देगा कि कार्बिल के मीन अभिक्रिया के द्वारा जांच किया जाता है। तो फट से बोलना प्राइमरी एमीन का। एक प्राइमरी एमीन के साथ होता है क्या कि इस अभिक्रिया में ओनली वन प्राइमरी एमीन ही ऐसी यहां पर होगी कंपाउंड जो देखा जाए आपका कार्बिल एमीन बना सकता है, आइसोसाइनाइड बना सकता है, लेकिन और किसी एमीन में एक गुण नहीं है। क्लियर समझना। आप देखा जाए एक कैसे हो जाता है इस पर जरा गौर करेंगे आप लोग। हमने बोला था कि चलिए यानी आपने NH2 लिया, NH2 लिया, क्लियर, AR लिया जाए या यहां से AR भी लिया जाए, या तो बताओ साइक्लिक ले सकते हो या एलिफैटिक भी ले सकते हो। और AC की अभिक्रिया को सबने करवाया था याद किया जाए, यानी बोले थे यानी CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म लिया था। क्या लिया था? क्लोरोफॉर्म लिए थे। इसके बाद हम बेसिक मीडियम बना रहे थे, तब बेसिक मीडियम में देखा कास्टिक कास्टिक पोटास लिया था। एक आपका बेसिक मीडियम है, हो सके तो इसके लिए आप एल्कोहल का सहारा भी ले सकते हैं। चले जाए यानी चूंकि आपका बेसिक ले रहे हो इसलिए आप पर बेसिक मीडियम के लिए हमें एल्कोहल को लेकर चलते हैं। समझिएगा दोस्त, कल बताए थे कि यहां पर देखिए इसके पास तो आपका लोन पेयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखा ये बच्चे जैसे समझिए इसको हम तोड़ करके ले रहे हैं, तो तोड़ करके क्या ले रहे हैं? सी ले रहे हैं। यहां से देखिए सीएल हो गया, यहां से सीएल हो गया, यहां से एच हो गया और यहां से सीएल हो गया, ठीक है। और ये देखा है सिमिलर के ये तो बताओ नेगेटिव कार्बन की अपेक्षा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, क्लियर। यहाँ पर देखा जाए ये आपका के पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। तुम जानते हो कि अल्कली जो मेटल होता है उस मेटल का हाइड्रोजन के साथ प्रीति होता है, इसलिए बताओ कि ये जो है यहाँ से बताओ Cl है, Cl है, Cl है, ये तीनों को लेकर हट जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन बताओ तीन गो है, यहाँ पर तीन गो लगा दिएगा, यहाँ से हो गया कितना, यानी बताया कि 3KCl हो गया, हो गया। यहाँ से बताया या सोचिए कि जैसे बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के हटेगा, ए देखिए यहाँ से लेकर के हटा, ए यहाँ से लेकर के हटा, तब बताओ यहाँ पर कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोनियम आयन आ गया। अब एक कार्बोनियम आयन आया मैंने कार्बन पर देखिए इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट गया, तब देखा जाए यहाँ से आकर के बताओ यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत है। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर जाने लगा, एक पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, चलिए एक जो है कार्बन जो है सॉरी हाइड्रोजन देखिए इधर चले आया, तब यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव में आ गया, आ गया। अभी पॉजिटिव में देखा आ गया तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, AR हो गया, या यहाँ से कहते हो R हो गया, यहाँ से देखिए N हो गया, हो गया क्यों गया, बाकी देखा जाए यहाँ से कौन आया है, N किस पर अटैक किया है, C पर किया है, तो ये देखा जाए ट्रिपल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आ गया, ये देखा जाए सी आ गया, तब आ गया क्या आ गया, तो बाकी यहाँ से बच गया क्या, H हट गया है, तो AH हो गया, AH हो गया, AH हो गया और वहां से OH हो गया, तो बताओ आपने कह दिया कि 3H2 हो गया और 3KCl। माने बस इस तरह से खाली रिएक्शन को आप लिखे हैं, रिएक्शन खुद बोलता है, रिएक्शन बोलता है बशर्ते उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर एक ध्यान दीजिए, उसकी पॉजिटिव आयन कहाँ पे है, निगेटिव आयन कहाँ पे हो रहा है, पोलर है कि नॉन पोलर है, क्या सिग्मा बॉन्ड है कि कहीं डबल बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, इन सारी बातों पर अगर ध्यान देते हो तो अपने आप क्लियर कट निकल जाएगा कि कौन कहाँ कहाँ रिएक्शन करेगा। जैसे कि देखा ना यानी सी एक ना बनकर के एमसी कैसे बन गया, यहाँ से देखा आपने प्राइमरी चाहे एरोमेटिक एमी ले लीजिए
या प्राइमरी एलिफैटिक एमिल लीजिए, यहाँ पर देखा क्लोरोफॉर्म खुलाया। क्लोरोफॉर्म में देखा जाए एक कार्बन से तीन वो क्लोरीन नाम का जुड़ा हुआ है, एक बेचारा कार्बन बीच में फंस गया, कारण कि इधर से पेटॉर्ड टंगली खींच रहा है, उधर से टंगली वो खींच रहा है, इधर से टंगली ये खींचा, बेचारा मासूम बच गया हाइड्रोजन। जैसे अपना अपना देखिए इलेक्ट्रॉन लेकर खींचने लगा, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट गया, इसके ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, माने कार्बोनियम आयन आ गया, उस कार्बोनियम आयन पर देखिए न्यूक्लियोफिलिक के रूप में ये अटैक किया, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए। जैसे देखिए एन अटैक किया कार्बोनियम आयन पर, एस सी के साथ देखिए एन सी बन गया, बाकी यहां से देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन का यहाँ घनत्व घटा, यहाँ से बताया सोच करके ये अपना इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, देखिए इस तरह यहाँ से देखिए ए खींच लिया इधर की तरफ, यहाँ से ई हट गया, यहाँ से ई हट गया, हट गया कि नहीं, और देखिए तब वहां पर आ गया का सी आ गया। तो ये आर एन सी बताओ आइसोसाइनाइड बन गया कि नहीं, और अगले ही दिन तुम लोग को बताए थे कि आइसोसाइनाइड में एक विशेष खास प्रकार का दुर्गंध पाया जाता है, और इसी दुर्गंध से ये पहचान लिया जाता है यहाँ पर कोई न कोई आइसोसाइनाइड बन रहा है, क्योंकि आइसोसाइनाइड में ही इस प्रकार का दुर्गंध पाया जाता है। तो बताइए सभी बच्चे बोलिएगा आप लोग जो चैनल से फिलहाल जुड़े हुए हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, क्या समझने में आपको मैकेनिक दिक्कत हुई? अगर दिक्कत हुई तो जरूर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर इस रिएक्शन को समझने में प्रॉब्लम हुआ, एक बार फिर इसको समझा दीजिए, क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर याद करेंगे कि देखा जाए प्राइमरी एमीन में आपका दो हो आपका एसिटिक, यहाँ देखिए हाइड्रोजन था, अगर ये एसिटिक हाइड्रोजन यहाँ से नहीं रहता तो क्या बताओ ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बन के निकलता नहीं, इसलिए बोले थे कि प्राइमरी में आपका दो एसिटिक हाइड्रोजन पाया जाता है लेकिन सेकेंडरी में सिर्फ एक पाया जाता है, तो एक पाया जाएगा वहां से बताओ OH आपका तीन आया है, इधर से H दुए को होगा, क्या वो सेटिस्फाइड OH होगा? नहीं, इसका मतलब कि OH को साथ देने के लिए एसिटिक, क्योंकि OH क्या है बेसिक, OH क्या है बेसिक, और ए हो गया एसिडिक यानी प्रोटॉन हो गया, इसलिए प्रोटॉन वहां से देखिए हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन करके जल बना लिया, यहां से देखिए एच आपका तीन हो गया नहीं, ये जो कि कार्बन बताइए इसके अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील है, ए भी बताओ खींच लेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ से पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव 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 आपका केव बन गया, तीन वो पॉजिटिव बन गया, तीन को देखिए OH नेगेटिव था, ये फट से देखिए रिएक्शन करके जल के रूप में बदल गया, दिक्कत है? तो इस तरह से देखा जाए आई माय टारगेट ये मीन अभिक्रिया लड़कन को कभी कभी कंफ्यूज कर लगता है कि यहाँ NC कैसे बन गया, CN का है नहीं बना है ना, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए R के साथ में N है और N बताओ कि अपना लोन तरफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनियम आयन को दिया है, तो N के साथ बताओ C आके जुड़ गया है, C के N के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन कौन लिया है C लिया है, इसलिए N और C के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बन गया कि नहीं, अब यहाँ से कहते हो कि पॉजिटिव हो जाता है तो ये समझिए नेगेटिव हो जाता है, हो गया क्यों गया, यही कार्बिल एमीन आपका बनता है और ये बनाने में केवल कामयाब होता है प्राइमरी एमीन, क्लियर? किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं, दोस्तों को बोल मैसेज कीजिए अभी क्लास है, अभी सोने की टाइम नहीं हुई है कि आप लोग इतना चिंता प्रकट कर रहे हैं, आइए दोस्त अगला रिएक्शन देखा जाए आपका होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी याद करेंगे यहाँ पे 1 degree and 2 degree एमीन भाग लेता है, याद कीजिएगा सब लड़के, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ दो एमीन रिएक्शन करते हैं लेकिन तीसरा एमीन रिएक्शन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है टर्शियरी एमीन, इसका भी सामने आ रहा रिएक्शन, दिमाग लगा देखेंगे और कान से सही से सुनेंगे, चैनल से हटेंगे नहीं,
घटेंगे चैनल से, दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होगा, थोड़ा सा वही समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव चुनने में दिक्कत हो सकता है। हाँ, इसलिए पूरी कहानी को सुना जाए, चैनल से हटे नहीं, अभी चैनल से हटने का भी समय नहीं है, अभी हम लोग काम और अभी देखते हैं क्लास। देखा जाए बोस यानी ग्रीक नॉट अभिकर्म, इसको कहता है आर, यहां पर बोलता है एन डी, यहां पर बोलता है एक्स। एक्स यानी हाइड्रोजन, मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, माइनस आएगा। ये बताओ कि मैग्नीशियम की इधर में कार्बन है, अब मैग्नीशियम के तुलना में कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखता है, चलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और देखिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पर देखा यह एच के लिए सी हो गया, यहाँ पर बताए एन जी हो गया, यहाँ पर देखिए बी आर हो गया। चलिए ए निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है और ए पॉजिटिव। देखा जाए ए मैग्नीशियम के एक तरफ में कार्बन है, एक तरफ में ब्रोमीन है, बीच बीच में टंग गया कौन, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को खींचा खींची कर रहा है, लेकिन इधर से कार्बन है और इधर से ब्रोमीन है। अपन सभी बच्चे जानते हो कि कार्बन की तुलना में ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए इधर इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, लेकिन इससे ज्यादा जो है बताओ इधर खींचेगा नहीं, कारण कि बताओ कार्बन की तुलना में ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम पर जो बल लगेगा यहाँ पर बताओ क्या दोनों तरफ से सेम बल लगेंगे, नहीं। ये मैग्नीशियम ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड अधिक मजबूत होगा, लेकिन ये बॉन्ड जो है उतना मजबूत तो नहीं हो पाएगा, होगा नहीं, तो समझना। देखिए इधर से हमने ले आया बताओ सी एच थ्री ले आया, गौर करेंगे सब लड़के, एच है एच है एच है, यहां से देखा जाए एन है, यहां से एच है, यहां से एच है, आइए यहां से ले रहे सी टू एच फाइव है, यहां से एम जी ले रहे हो, यहां से बताओ क्या ले रहे हैं बी आर, गौर करेंगे सब लड़कन। अब हम लोग जानते हो सब कि ए तो बताओ इलेक्ट्रॉन की जोड़ा को अपने तरफ खींचेगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पर बताओ इधर से बताओ ए इलेक्ट्रॉन की बताई, जैसे इधर खींचेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ए पॉजिटिव आएगा तो इस तरह से जरा सोच कर देखा है सब लड़के कि आइए, यानी कि हम लोग चलो सी एच थ्री है, यहाँ पर सी एच टू है, गौर करेंगे सब लड़के। अब यहाँ पर सी एच टू है मतलब एच हो गया देखिए इधर, और एच देखा जाए हो गया आपका इधर, क्लियर। अब बोलेगा तो यहाँ पर बताओ आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए आपका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझिएगा। तो जैसे बताओ कि यहाँ पे गौर करेंगे, ठीक है, तो बताओ जैसे यहां से बताओ यहां पर देखिए ए आया, ठीक है, गौर करेंगे सब लड़के। तो जैसे बताओ कि यहां पर ए जा करके जुड़ेगा, तो आप सोचा जाए कि यहां से बताओ वैसे लड़के तो सी एच थ्री तो आपका यहां से है, क्लियर नहीं। अब यहां से बताइएगा जैसे इलेक्ट्रॉन का इधर जुड़ा जाएगा तो बताओ ऐसे इलेक्ट्रॉन का देखा जाए इस तरह से आपका यहाँ खींचा गया, तो यहाँ से बताओ जरा सोचिए ये आपका कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचाएगा, तो बताए कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आया कि नहीं आ जाएगा, तब एक पॉजिटिव चार्ज है कि यहाँ पर आ गया, तब यहाँ से क्या बन जाएगा सी हो गया, यहाँ से देखिए आपका एच हो गया, यहाँ एच हो गया, एच हो गया, यहाँ से देखिए एन हो गया, ठीक है। और बताइए यहाँ से क्या लिखे हैं, एक तरफ से एच हो गया, एक तरफ से बताइए यहाँ से एम जी आपका बी आर हो गया, और प्लस यहाँ से बताओ एच हट गया तो क्या हो गया सी टू एच सिक्स हो गया नहीं, कारण सी एच थ्री और सी एच टू और यहाँ से देखिए यह हाइड्रोजन हटा, यहाँ पर जाकर के बताओ टूट गया,
तो यहां से जाकर के आकर के जुड़ गया, तब जुड़ गया सी एस थ्री यानी सी टू एच सिक्स। यानी कहने का मतलब कि देखिए बताओ अगर एच ना होता तो बताओ क्या यहाँ पर एच जाता नहीं जाता। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर एच गया है, क्लियर है। इसका मतलब समझना कि आप प्राइमरी एमिन में भी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी में भी तो बताओ कि एसिडिक रहेगा हाइड्रोजन, इसमें दो गो है और सेकेंडरी सॉरी हाँ सेकेंडरी में एक गो रहेगा, है तो लेकिन बताओ यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन जो बनेगा वो बनेगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में जो आपका आपका कार्बन वाला भाग जो एल्किल समूह है उसी का यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनेगा, इसका नहीं बनेगा। देखिए एन के साथ भी सी एच थ्री था और अभी भी एन के साथ सी एच थ्री है, यहाँ से एन चला गया एम जी के पास और एक एम जी बी आर बना लिया। यहाँ से देखिए इसको इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को नाइट्रोजन खींच लिया, तब फिर ये हट गया यहाँ से, अब यहाँ से ये हट गया, तो बताओ जरा सोच करके ई कार्बन के साथ जाकर हाइड्रोजन जुड़ गया, तब बताइए कि सी एच थ्री हो गया और सी एच थ्री हो गया यानी सी टू एच सिक्स हो गया कि न हो गया। तो इस तरह से याद करेंगे कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो वन डिग्री करेगा या टू डिग्री करेगा और करेगा, तो याद करेंगे हमेशा समझ के यहां पर जब भी बना तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब चूंकि यहां पर देखा जाए दो को लेके चले हो कार्बन, इसलिए यहां पर दो को कार्बन रह गया आपका सी टू एच सिक्स रह गया, हो गया कि नहीं समझा सदिका बेटा, बोलिए दिक्कत हो तो बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं। जब पूछेगा कि प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है ऑब्जेक्टिव चुने कहेगा, तो याद रखेंगे केवल और केवल हमने ऑब्जेक्टिव ही दोनों को निकाल रहे हैं। यदि कि रिएक्शन वाले क्वेश्चन कई तरीका से देते हैं, या तो प्रोडक्ट का नाम दे देगा या प्रोडक्ट चुनने कहेगा या तो रिएक्शन का नाम चुनने कहेगा, हाँ आइसो हाँ बोल देगा कि बताओ निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा यानी एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अब रिएक्शन का नाम चुनने कहेगा वहां पर फट से बोल देना है कार्बिक एमीन अभिक्रिया चुन लेंगे हम, कल ही बताए थे कि किस अभिक्रिया के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन बनाया जा सकता है, तो आपको फर्क से बोला था एल्किनेशन करवाना होगा। बोले थे किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एमाइड बनाया जाता है, तो फर्क से बोल देना एसिलेशन अभिक्रिया के द्वारा। तो आपको बहुत कई तरह से क्वेश्चन बना रह सकता है, इसको जरा सही सलामत से जरा कैलकुलेट करके और उसको निकालिएगा। इसी तरह से करना कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अगर बोलेगा तो बोलेगा यही बात कि 1 डिग्री 2 डिग्री यानी ये रिएक्शन करेगा, कोई पूछेगा क्यों करेगा तो कहेगा क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाता है और एसिडिक जो हाइड्रोजन पाया जाता है इसी को यही बॉन्ड तोड़ करके ये देखिए हाइड्रोकार्बन बना देता है। यही से एक प्रोटॉन बताओ कि नहीं देता तो क्या यहाँ पर बताइए मीथेन का निर्माण होता। अगर यहाँ पर CH3 लेके चलेंगे तो मीथेन बनेगा, अगर यहाँ पर लेके चला तीन तो प्रोपेन बनेगा, यानी जितने कार्बन ले रहे हैं उसी के अनुरूप यहाँ पे आगे कार्बन बनेगा, क्लियर। तो देखा ऐसे बच्चे यहाँ भी याद करना 1 डिग्री और 2 डिग्री। आगे रिएक्शन आता है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मस्टर्ड माने क्या होता है सरसों, ऑयल माने क्या होता है तेल, सरसों की तेल देखा है तुम लोग सरसों का तेल लगाए हो, सरसों के तेल को सूंघे हो तो नहीं तो सूंघेगा, सरसों की तेल जब लेकर के हाथ में देखे सूंघोगे तो एक वहां से गंध आता है, वह गंध आपका गंधक के कारण आता है, किसके कारण गंधक के कारण आता है दोस्त, इसलिए यहां पर इस रिएक्शन का नाम मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया पर गया।
मस्टर्ड अभी ऑयल से तैयार करना है, ये भी अभी तैयार तो दिख रहा है, इसमें केवल और केवल यानी प्राइमरी एमिन भाग लेता है। याद रखेगा ये भी जो हो गया प्राइमरी एमिन के लिए आया बॉस, यहाँ भी 1 डिग्री केल्विन है। देखिए कार्बिन एमिन अभिक्रिया यहाँ भी भाग लिया है 1 डिग्री और यहाँ भी बॉस भाग ले रहा है 1 डिग्री। सारा बच्चे ध्यान दिएगा, यही एग्जाम में तुम्हारा काम देगा कि कौन किस अभिक्रिया में रिएक्शन भाग लेता है। इसमें क्या होता है तो मस्टर्ड ऑयल कैसे बनते हैं, कैसा यौगिक में ऐसा कण होता है, तो देखिएगा यहाँ पर वो सबसे पहले हमने लेते हैं प्राइमरी एमीन, यानी देखा गया एन हो गया, यहाँ से एच है, यहाँ से एच हो गया प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया देखिए कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराया जाता है, देखा डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से डबल बॉन्ड एस, माने कार्बन डाइसल्फाइड ये भी एक तरह का समझिए कि विलायक है। कार्बन डाइसल्फाइड का नाम सुने होना है, देखता है श्वेत फास्फोरस, जिसके बारे में कहते हो कि श्वेत फास्फोरस जो होता है वह जल में अघुलनशील होता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। मतलब सोचिए कि कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है ये भी एक सॉल्वेंट है, एक विलायक है, और इसी विलायक में अगर हम प्राइमरी एमीन को डालते हैं तो देखा जाए रिएक्शन बॉस कैसे होता है, सीखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए हमने बोला कि अगर कैटेलिस्ट की जरूरत होगा तो देखिए कोई मर्क्यूरी क्लोराइड डब्ल्यू लेकर चलते हैं, समझिए मर्क्यूरी क्लोराइड यहाँ पर देखा जाए आपका रिएक्शन में भाग लेता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होती है कि बताएंगे ये तो आप लोग पहले ही कर रहे हो कि नाइट्रोजन का यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताओ कि हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो ये पहले ही बोले कि पोलर होता है ध्रुवीय होता है, यानी कि यहाँ पर निगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है कि नहीं। आप जानते हैं क्या चीज कि कार्बन के रेस्पेक्ट में यानी सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, होता है कि नहीं। तो इस स्थिति में बताओ कि यहाँ से कितना पाई होता है, अब पाई बॉन्ड यहाँ से है तो बताओ यहाँ से हाइड्रोजन हो गया और यहाँ से एक बॉन्ड अगर टूट जाता है तो बताइए H2S बन के निकल गया और यही से बन गया यानी R हो गया, यहाँ से N हो गया, डबल बॉन्ड से S हो गया, डबल बॉन्ड से C हो गया, ठीक है N बन गया। तो यही जो कंपाउंड यहाँ पर बना इसी में सरसों तेल का गंध आता है, जैसे सरसों के तेल में गंध आता है उसी तरह से यहाँ भी सरसों के तेल जैसा गंध आता है। नाम क्या पड़ जाता है तो पहले कहता एल्किल, आर फोर क्या हो गया एल्किल, यहाँ देखो सल्फर आ गया तो थायो बोलते हैं, यानी थायो यानी साइनेट, थायो साइनेट। गौर करेंगे यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन का देखिए ये दोनों प्रोटॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ से बताओ सल्फर निकल गया, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यानी 6 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, यह हाइड्रोजन के साथ देखिए कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बन के निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें भी समझिए दुर्गंध होता है लेकिन मेन जो है आपको एक द्रव के रूप में प्राप्त हुआ एल्किल थायोसाइनेट, और इसी में सरसों तेल की जैसा गंध होती है इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में भी केवल भाग लेता प्राइमरी एमीन, कौन प्राइमरी एमीन, क्योंकि प्राइमरी एमीन में ही दो गो प्रोटॉन निकल सकता है, तो ये दोनों प्रोटॉन निकलेगा तभी ना सल्फर संतुष्ट होगा, कारण इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 प्रोटॉन चाहिए यहां से,
तब ये दोनों के साथ में दबाव कंबाइन होगा, तब जाकर के H2S निकल गया और बाकी आपका कंपाउंड बन गया। तो याद करेंगे ये सभी क्रिया में सेकेंडरी भाग नहीं लगा, टर्शियरी भी भाग नहीं लगा। तो टर्शियरी एक तरह से याद करिए कि यहां से लेकर के बढ़ते जा रहे हो तो सब जगह टर्शियरी छट रहा है, और टर्शियरी छटने का मेन वजह आपका होता है वही एसिटिक हाइड्रोजन का अभाव। टर्शियरी में एसिटिक हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए टर्शियरी एमीन अधिकांशतः रिएक्शन में भाग नहीं लिया, लिया नहीं लिया। इसके पीछे मेन कारण यही था कि उसमें एसिटिक यानी अम्लीय हाइड्रोजन नहीं था, और अम्लीय हाइड्रोजन नहीं रहने की वजह से ये सब तो रिएक्शन दिखवे किया, और भी आगे रिएक्शन मिलेगा तो उसमें तुम यही पाओगे कि प्राइमरी एमीन भाग लेता है, सेकेंडरी एमीन भी भाग लेते हैं, लेकिन टर्शियरी एमीन भाग नहीं लेता है। इसके अलावा देखा जाता है नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड के साथ में भी अगर एमीन का रिएक्शन करवाओगे तो प्राइमरी एमीन करेगा, सेकेंडरी एमीन करेगा, लेकिन टर्शियरी एमीन नहीं करेगा। वहां पर भी भाग जाएगा कौन? टर्शियरी ही। प्राइमरी तो एकदम दिख जाता है, इसलिए कि वो कहता है कि हमारे पास तो प्रोटॉन की कमी नहीं है, मेरे पास तो अम्लीय प्रोटॉन है, हम हर तरह से टकराने को तैयार हैं। कौन कहता है? प्राइमरी एमीन कहता है, सेकेंडरी एमीन कहता है या कि हम प्राइमरी एसिड तो नहीं, लेकिन हमारे पास भी एक अम्लीय प्रोटॉन है, इसलिए मैं भी रिएक्शन करूंगा। इसलिए प्राइमरी करता है सबसे ज्यादा, तब करता है सेकेंडरी, और टर्शियरी के पास नहीं है इसलिए रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव में अधिकांशतः जगह अगर छांटना रहे तो टर्शियरी एमीन को भी अगर तुक्का मारना हो परीक्षा में, ज्यादातर लोग तुक्का भी कभी कल मारता है, कहता राम भरोसे हिंदू होटल, चलो मार दिया यार सही तो सही, न तो गलती हुआ तो गलती, लेकिन तुक्का में मारने का एक आइडिया होना चाहिए, ये दिमागी काम होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे पाई वैसे तुक्का मार दिया तो सही हो जाएगा, वहां पे मारने के पहले भी कुछ थ्योरी जानकारी होना चाहिए आपके पास। जैसे इसके अलावा हीस वर्ग अभिकर्मक है, तो हीस वर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड ये होता है अभिकर्मक, साथ में कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, तो बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड के साथ भी अभिक्रिया करवाते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों एमीन करते हैं, लेकिन टर्शियरी एमीन नहीं करता है। वहां भी देखिए छट गया कौन? टर्शियरी। नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाओगे वहां भी टर्शियरी नहीं करेगा, तो हमेशा टर्शियरी या रन क्षेत्र से दूर भागता है, अभिक्रिया क्षेत्र से दूर भागता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्शन करता है। कंप्लीट है? तो इतना सारा बात एमीन में जानकारी करना था कि कौन से एमीन कैसे रिएक्शन में भाग लेगा, किस एमीन को कैसे हम जांच करेंगे, उसकी जांच करने का क्या तरीका है। तो आप लोग के पास तो जांच करने का इतना तरकीब बता दिए कि आपने किसी न किसी माध्यम से उसको जांच कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, कोई दिक्कत है बताओ? एमीन की जांच करने में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं होगा? अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं देखूंगा, और फिर यानी कल की क्लास में मिलेंगे तो आपके समस्या को दूर करेंगे। और आज इतना तक कंप्लीट कीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिए नोट कॉपी पे, आप तैयारी कर लीजिए। चलिए आज की क्लास तुम लोगों को तो अच्छा लगा होगा, क्योंकि एमीन की जांच करने का सारा तरकीब सिखा दिए। अब थोड़ा बहुत बचा हुआ चैप्टर में है जो अगले दिन बताते हुए फिर हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक चेंज कर देंगे, और वो टॉपिक आप लोग इंतजार करना होगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, गुड बाय। इसको देखिए यहाँ कट करिएगा तो हो जाएगा कट, ठीक ना? ये ओके कर दीजिएगा।